हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं डिस्कस करूंगा न्यू पैटर्न स्पॉटिंग एरर्स के कुछ क्वेश्चंस। जैसा कि आप जानते हैं कि IBPS PO का एग्ज़ाम है, प्री एग्ज़ाम है अक्टूबर मंथ में, उसके बाद IBPS क्लर्क है, LIC है और SSC के भी सभी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस हाईली इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि ये अप्लाइड ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इस समय सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को और मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे इन क्वेश्चंस को आपको करना होता है। देखिए, यहाँ पर ये डायरेक्शन पाथ है और ये रेड कलर में एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको चार पार्ट में डिवाइड किया गया है और आपका जो पांचवा पाथ है वो है नो एरर। ठीक है, तो अभी हाल ही में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे SBI PO में और SBI क्लर्क में। देखिए, यहाँ से इस क्वेश्चन को देखते हैं। आई हैव फाइनली डिसाइडेड टू बाइट अ बुलेट एंड लर्न हाउ टू कोड। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू डांस, आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू ड्राइव, ठीक है, इसके साथ तो यही स्ट्रक्चर आता है यहाँ पर, तो ये तो यहाँ पर सही है। अब देखिए, कभी भी आपको किसी भी सेंटेंस में भी इस तरह के वर्ड्स मिलें, जैसे बाइट अ बुलेट, इसका यदि आप लिटरल मीनिंग निकालें, शाब्दिक अर्थ निकालें, तो इसका मीनिंग क्या होगा? बाइट मतलब काटना होता है, बुलेट को काटना, यानी ये सेंसलेस है, कोई मीनिंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसका आपको शाब्दिक अर्थ नहीं निकालना है, इसका आपको फिगरेटिव मीनिंग निकालना है, इसका भावार्थ आपको निकालना है। ठीक है, जैसे मुहावरों में होता है, प्रोवर्ब्स में होता है। तो यहाँ पर एक्चुअली बाइट अ बुलेट का मतलब है कि किसी कठिन काम को करने का डिसीजन लेना, जो काम आपके लिए अनप्लीजेंट है, जिसको करना मुश्किल है, उसको करने का अल्टीमेटली डिसीजन लेना। तो आई हैव फाइनली डिसाइडेड टू बाइट अ बुलेट एंड लर्न हाउ टू कोड, मतलब मैंने फाइनली डिसीजन ले लिया है कि मैं अब इस काम को शुरू करूंगा, चाहे मुझे ये मुश्किल लगे। तो ये सेंटेंस टेक्निकली तो सही है, लेकिन यहाँ आप देखें कि ये जो फ्रीजल वर्ब है बाइट अ बुलेट, इसका सही जो फ्रीजल वर्ब है या सही जो एक्सप्रेशन है वो है बाइट द बुलेट। फ्रेजल वर्ब नहीं है ये एक प्रोवर्बियल एक्सप्रेशन है, बाइट द बुलेट। तो यहां पर जो सही जो वर्ड होगा वो होगा द बाइट द बुलेट। ठीक है, आई हैव फाइनली डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट एंड लर्न हाउ टू कोड। तो यहां पर ये पार्ट आपका गलत है और ये पार्ट किस में है? बी में है। तो बी आपका यहां पर आंसर आपका होगा, आई हैव फाइनली डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट एंड लर्न हाउ टू कोड। तो ये है टिपिकल स्टैंडर्ड क्वेश्चंस सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, इस समय ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। चलिए आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रीवियस RBI डायरेक्टिव वॉज साइलेंट ऑन वेदर डेटा कैन बी प्रोसेस्ड अब्रॉड और शुड ओनली बी डन लोकली। मतलब पहले का जो RBI डायरेक्टिव था, RBI का जो रूल था, वो साइलेंट था इस चीज पर, या RBI का जो भी प्रोविजन था, डायरेक्टिव मीन्स एक जो प्रोविजन था, वो इस चीज़ पर साइलेंट था, इस चीज़ पर चुप था कि जो डेटा है उसको प्रोसेस हम करें बाहर करें या उसको लोकली उसको प्रोसेस किया जाए। तो वेदर में एक्चुअली दो चॉइसेस रहती हैं, वेदर आई शुड गो और नॉट। ठीक है, तो वेदर के बाद हम और ही लगाते हैं, जैसे नीदर के बाद हम नॉट लगाते हैं या ईदर के बाद और लगाते हैं। तो वेदर डेटा कैन बी प्रोसेस्ड अब्रॉड और शुड ओनली बी डन लोकली, ठीक है, यहाँ पर चूंकि शुड भी है, ये पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है, तो इसके साथ ये थर्ड फॉर्म सही है, वेदर के बाद और सही है, लोकली एक्चुअली एडवर्ब है। ठीक है, तो ये वर्ब के बाद आएगा यहाँ पर, तो ये भी सही है इसमें, तो इसमें कोई गलती नहीं है, ये सेंटेंस आपका सही है और इसमें आपका आंसर होगा ई, नो एरर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, हम ये क्वेश्चन देखते हैं। व्हाइल द पब्लिक हेल्थ केयर मैकेनिज्म स्टटर्स द चेंजेस द चार्जेस, नहीं होगा ये, अच्छा चार्जेज है, ठीक है, चार्जेज इन द चिक प्राइवेट फैसिलिटीज आर फ्राइटफुली एग्जॉर्बिटेंट। इस सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है? इस सेंटेंस में इंडिया के अंदर जो हेल्थ की जो कंडीशन है वो तो आप सभी को पता ही होगा कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रहते हैं, क्या वहाँ पर हालत रहती है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जो प्राइवेट महंगे हॉस्पिटल्स हैं उनकी फैसिलिटी, दोनों की फैसिलिटी को यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है,
और ये बताया जा रहा है कि पब्लिक हेल्थ केयर मैकेनिज्म स्टटर्स, स्टटर्स का मतलब होता है एक्चुअली, इसका इसका एक मतलब होता है कि जैसे हकलाना, जिसको हम स्टैमर बोलते हैं, वो भी होता है, और इसका एक मतलब होता है लड़खड़ाना। ठीक है, तो एक तरफ पब्लिक हेल्थ केयर जो मैकेनिज्म है वो लड़खड़ा रही है, और दूसरी तरफ क्या है कि जो चार्जेज हैं प्राइवेट फैसिलिटीज़ में, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े 5 स्टार प्राइवेट फैसिलिटीज जहाँ पर रहती हैं, उनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, फ्राइटफुली का मतलब होता है इतने महंगे कि उससे आपको डर लगे। फ्राइटफुली को हम एक्चुअली इम्फेसिस के लिए यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का इतना ज़्यादा साइज एक्सटेंट होना कि उससे डर लगे, लेकिन यहाँ पर फ्राइटफुली एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है कि डराने वाला। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर सही है चार्जेज। अब इसमें देखिए एक वर्ड गलत है, ये जो वर्ड है चिक, चिक का मतलब क्या होता है, यंग वर्ड बर्ड होता है जिसको अभी हाल ही में हैच किया गया, जैसे चिकन होता है, एक्चुअली ये चिकन का ही शॉर्ट फॉर्म है चिक। लेकिन यहाँ पर प्राइवेट फैसिलिटीज के साथ यहाँ पर जो वर्ड आएगा वो आएगा CHIC, CHIC के नहीं, CHIC। अब CHIC जो होता है उसको हम शीक पढ़ते हैं, उसको हम चिक नहीं पढ़ते, इसको हम चिक पढ़ते हैं, उसको हम शीक पढ़ते हैं, और उसका मतलब होता है स्टाइलिश और फैशनेबल और एलिगेंट, महंगा। ठीक है, तो चिक के स्थान पर शीक, CHIC यहाँ पर वर्ड आना चाहिए, और बी इसमें आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो बी इसमें आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इंडिया वॉन्ट्स मोर स्ट्रिंजेंट डेटा स्टोरेज रूल सो इट कैन गुड एक्सेस। देखिए गुड एक्सेस का क्या मतलब है, यदि यहाँ पर आप मोर स्ट्रिंजेंट लगा रहे हैं, यहाँ पर यदि कंपेरेटिव डिग्री लगी है, ज़्यादा स्ट्रिंजेंट रूल का मतलब क्या होगा, जैसे सपोज अभी रूल स्ट्रिंजेंट नहीं है, अभी रूल ज़्यादा 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 अप टू डेट नहीं है या स्ट्रिंजेंट नहीं है, तो यदि रूल्स को आप ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कर देते हैं तो उसका जो इफेक्ट होगा वो गुड से बेटर हो जाएगा। यदि रूल्स अभी गुड हैं, ठीक है, उनको आपने बेटर कर दिया, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो भी गुड से बेटर हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब मोर है तो यहाँ पर ये जो वर्ड है ये भी बेटर होना चाहिए। इंडिया वॉन्ट्स मोर स्ट्रिंजेंट डेटा स्टोरेज रूल्स सो इट कैन बेटर एक्सेस डेटा एंड कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन व्हेन द नीड अराइजेस। व्हेन द नीड अराइजेस, ये जो है व्हेन द नीड अराइजेस, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है और ये सही है। नीड यहाँ पर सिंगुलर है तो अराइजेस तो यहाँ पर सही है। ठीक है, यहाँ पर आएगा बेटर, सी इसमें आपका सही आंसर होगा, सी में इसमें गलती है। ठीक है, ऐसे इन क्वेश्चंस को आपको करना होता है। चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। मोस्ट इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स, स्टार्टअप्स मतलब जो नए बिजनेस शुरू होते हैं, जो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देते हैं। मोस्ट इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स आर होपफुल दैट पार्लियामेंट विल पास अ लॉन्ग पेंडिंग स्पेस लॉ। मतलब ज़्यादातर जो स्टार्टअप्स हैं वो होपफुल हैं इस बारे में, उनको उम्मीद है इस बारे में कि पार्लियामेंट विल पास आ लॉन्ग पेंडिंग स्पेस लॉ। पार्लियामेंट जो है वो लॉन्ग पेंडिंग स्पेस लॉ को पास कर देगा, विच विल गिव क्लैरिटी ऑन हाउ प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट इन द सेक्टर और कैन ऑपरेट इन द सेक्टर। ठीक है, तो ये सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, ये सेंटेंस सही है, नो एरर इसका आंसर होगा। मोस्ट इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स, ये सही है, आर सही है, होपफुल सही है, होपफुल के बाद दैट सही है, वे होपफुल हैं किस बारे में, ये दैट लगा के बताया कि इस बारे में वो होपफुल हैं। विल सही है, वुड अगर होता तो गलत हो जाता क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में है ये। कैन बी यहाँ पर सही है और ये पूरा सेंटेंस सही है, इसमें आंसर होगा आपका नो एरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट स्कूल्स इन पेरिस, ये यहाँ तक सही है, विल स्टे ओपन, स्टे ओपन आप बोल सकते हैं या रिमेन ओपन भी बोल सकते हैं। मोस्ट स्कूल्स इन पेरिस विल स्टे ओपन या रिमेन ओपन अंटिल द समर हॉलीडेज। ये अंटिल वाला जो फ्रेज है यहाँ पर, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाएगा, अंटिल द समर हॉलीडेज स्टार्ट, स्टार्ट सही है क्योंकि हॉलीडे यहाँ पर प्लूरल है तो फिर स्टार्ट सही है। आफ्टर फ्राइडे आफ्टरनून,
देखिए यहां पर थोड़ा सा मुझे ये गलत लग रहा है कि फ्राइडे आफ्टरनून है, डे और डे आफ्टर नहीं लगाते हम, ऑन लगाते हैं। फ्राइडे समर हॉलीडे जो स्टार्ट होगा वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टार्ट होगा, वो फ्राइडे आफ्टरनून के बाद स्टार्ट नहीं होगा, वो फ्राइडे आफ्टरनून को स्टार्ट हो जाएगा या फ्राइडे को स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए ऑन, ठीक है। तो इसमें दी बात इसमें आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डज बेयर विद द हेल्थ कंडीशन ऑफ द नेशन इन द वाइडर कैनवास, इट इज द विल एंड डिटर्मिनेशन। विल एंड डिटर्मिनेशन का मतलब होता है इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय। टू एक्ट दैट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। दो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डज बेयर विद द हेल्थ कंडीशन ऑफ द नेशन। देखिए इससे बेयर विद का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सहन करना, ठीक है, किसी चीज को सहन करना। तो यदि यहाँ पर आप बेयर विद का सेंस निकाल लें, दो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डज बेयर विद द हेल्थ कंडीशन, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो हेल्थ कंडीशन को सहन करता है, कोई सेंस नहीं बन रहा है इसका। देखिए जब भी इस तरह के फ्रेजल वर्ब आया करें सेंटेंस में तो जरूर आप उसको नोटिस किया करें, क्योंकि यहीं पर एक्चुअली इस तरह के सेंटेंसेस में गलती होती है। एग्जामिनर फ्रेजल वर्ब की आपकी जो नॉलेज है उसको आपको चेक करना चाहता है। दो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डज बेयर ऑन, बेयर ऑन का मतलब होता है रिलीवेंट, ये चीज इससे रिलीवेंट है। देखिए यदि इकोनॉमिक डेवलपमेंट सही है किसी कंट्री का तो उसका हेल्थ कंडीशन भी सही होगी, यानी हेल्थ कंडीशन का जो पॉइंट है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रिलीवेंट है, या दोनों एक दूसरे के लिए रिलीवेंट हैं, सही हैं। तो यहाँ पर बेयर ऑन होना चाहिए, ठीक है। दो इकोनॉमिक डेवलपमेंट डज बेयर ऑन द हेल्थ कंडीशन, बेयर ऑन होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए। चलिए आगे देखते हैं। एक्सपेक्टिंग प्रोस्पेक्टिव टेनेंट्स टू लिव अंडर अ क्वासी फ्यूडल रिजीम रिफ्लेक्ट्स द पावर वील्डेड बाय लैंडलॉर्ड्स इन आर सेंट्रिक प्रॉपर्टी सोसाइटी। देखिए इस सेंटेंस को यदि आप ध्यान से पढ़ें, टेनेंट्स का मतलब क्या होता है, मैं इसका मतलब आपको अभी डिटेल में बताता हूं, लेकिन यहां पर ये वर्ड आप देखिए सेंट्रिक प्रॉपर्टी। देखिए ये जो सेंट्रिक वर्ड है ये हमेशा बाद में आता है नाउन के, प्रॉपर्टी सेंट्रिक होना चाहिए, प्रॉपर्टी जिसमें प्रॉपर्टी का एम्फेसिस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। प्रॉपर्टी सेंट्रिक, किसी चीज के आसपास जो चीज घूम रही है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रिक, प्रॉपर्टी सेंट्रिक। तो सही वर्ड एक्चुअली सेंट्रिक प्रॉपर्टी ना होते हुए प्रॉपर्टी सेंट्रिक होना चाहिए, यानी डी इसमें गलत है और डी इसमें आंसर होगा। लेकिन इस सेंटेंस का मैं मतलब बताता हूँ। देखिए एक्सपेक्टिंग प्रोस्पेक्टिव टेनेंट, ये एक्सपेक्टिव क्या है, एक्सपेक्टिंग एक जेरेंडियल फॉर्म है, ये नाउन फॉर्म है, जेरेंड है, और जेरेंड होता है हमेशा सिंगुलर, तो इसलिए ये रिफ्लेक्ट्स जो है यहाँ पर ये सही है, रिफ्लेक्ट्स, ठीक है। जैसे यदि मैं बोलूं कि स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल, ठीक है, स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल इज ए गुड एक्सरसाइज, यानी जो जेरेंड में लूंगा उसको उसको जेरेंड एक प्रोसेस होता है, एक एक्शन होता है एक्चुअली, और एक्शन होता है सिंगुलर। तो यहां पर रिफ्लेक्ट्स में भी गलती हो सकती है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो यहां पर रिफ्लेक्ट सही है क्योंकि ये सिंगुलर इसको माना जाता है। देखिए क्वासी फ्यूडल रिजीम, ये एक व्यवस्था थी, एक जमींदारी व्यवस्था थी यूरोप, ये एक्चुअली हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वेस्टर्न यूरोप में ये व्यवस्था थी जिसमें जमींदार जो थे वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करते थे, ठीक है, उनका दबदबा रहता था। और यहाँ पर वील्डेड एक वर्ड आया है, इसका मतलब है अपनी पावर को या आपके पास जो भी क्षमता है उसको यूज़ करना, उसको एम्प्लॉय करना। तो बाकी सब तो सही है इसमें, लेकिन ये जो वर्ड है सेंट्रिक प्रॉपर्टी, इसके स्थान पर होगा प्रॉपर्टी सेंट्रिक, यानी डी इसमें आपका सही आंसर आपका होगा। चलिए आगे हम देखते हैं। व्हाट इज क्लियर इज दैट स्टेट गवर्नमेंट्स नाउ हैव ग्रेटर रिसोर्सेज इन देयर कमांड अंडर द न्यू स्कीम ऑफ फाइनेंशियल डिवोल्यूशन एंड इन पार्टनरशिप विद द सेंटर दे मस्ट यूज द फंड्स टू ट्रांसफर प्राइमरी हेल्थ केयर। देखिए डिवोल्यूशन का मतलब होता है डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन में स्टेट गवर्नमेंट्स को पूरी पावर मिल रही है कि उनको जो फंड मिले हैं उसको किस तरीके से यूज कर सके, तो उसी के बारे में ये पूरा सेंटेंस है।
स्टेट गवर्नमेंट्स के बाद हैप लगा है, सही है, ग्रेटर रिसोर्सेज सही है। एक्चुअली ये जो फ्रेज़ है ये गलत है यहाँ पर, इन देयर कमांड नहीं होता, एट देयर कमांड। एट देयर कमांड का मतलब है कि आपके पास वो चीज़ अवेलेबल है और आप कभी भी उसका अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एट देयर कमांड मतलब आपने बोला और वो चीज़ सामने हाजिर हो गई, आपकी आपकी मौजूदगी में वो चीज़ अवेलेबल है वहाँ पर। तो सही जो फ्रेज होता है वो होता है एट देयर कमांड। जैसे सर्वेंट्स आर अवेलेबल एट माय कमांड, मतलब मैं कमांड दूंगा और वो आ जाएंगे, मतलब वो रेडीली अवेलेबल हैं वहाँ पर। तो ये इस फ्रेज का मतलब होता है। तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, बी इसमें आपका आंसर होगा। चलिए आगे हम देखते हैं, सोइंग ऑफ समर क्रॉप्स सच एज राइस सोयाबीन एंड कॉर्न। देखिए यहाँ पर फिर से वही सेम कॉन्सेप्ट आया है जेरेंड का। सोइंग का मतलब जैसे जैसे फसल को हम बोते हैं, ठीक है, उसकी बात हो रही है इसमें। एक होता है सोइंग, एक होता है रीपिंग। सोइंग का मतलब उसको बोना, रीपिंग का मतलब उसको उसको हार्वेस्टिंग जब होती है उसको हम काटते हैं। इसमें एक प्रोवर्ब भी है, एज यू सो सो शैल यू रीप, मतलब जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। तो सोइंग सिंगुलर है, सोइंग जेरेंड मैंने बताया था कि सिंगुलर होता है, इसलिए यहाँ पर ये जो है क्या ये सिंगुलर है, नहीं ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, इसलिए सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस अप्लाइड ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, नए पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, सभी बैंकिंग और एसएससी और इंश्योरेंस एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है एक्चुअली बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, और डेफिनेटली दूसरे एग्जाम्स के लिए भी ये हाईली इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इन सभी वीडियो क्लासेस को इस चैनल पर आप रेगुलरली देखें, यदि आप नए आए हैं इस चैनल पर तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को लाइक करें, और मेरे सभी वीडियो क्लासेस को प्लीज़ शेयर आप ज़रूर करें सभी स्टूडेंट्स के साथ सभी प्लेटफॉर्म पर, ताकि दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी फ़ायदा हो और वो भी इससे बेनिफिट कर सकें। ठीक है, तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।